आप इस वक्त गांव धतीर में खड़े हैं। ये हमारा एक बहुत अच्छा किसान है। इस किसान ने 5 एकड़ में बाग लगाया हुआ है, 4 एकड़ में नींबू और मौसमी का बाग है, 1 एकड़ में इन्होंने चीकू लगाया हुआ है। इसके ऊपर बागवानी विभाग द्वारा किसान को 23,000 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रथम वर्ष और दूसरे और तीसरे साल में 10-10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर 1 एकड़ पे 50,000 रुपये की अनुदान राशि किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। और जो आप ये बाग देख रहे हैं, इस बाग में जो ड्रिप प्रणाली लगी हुई है, जिला पलवल में ड्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है, केवल GST किसान पे कर रहा है। तो इन्होंने इस बाग को ड्रिप प्रणाली के ऊपर स्थापित किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने किसान को पावर टिलर भी दिया हुआ है, क्योंकि अच्छा किसान है और इससे इस निराई गुड़ाई करने के लिए पावर टिलर भी यूज़ करता है। तो उस पर भी हम इस किसान को अनुदान राशि हमने इसको दी है। और आने वाले टाइम में कम से कम 10-15 किले और बाग हमारा किसान इस धतीर गांव में लग जाएगा। किसानों से क्या अपील है? मेरी किसानों से अपील है कि परंपरागत खेती को छोड़ कर करके बागवानी अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। कितना फ़ायदा होगा परंपरागत खेती से इस बागवानी की? बागवानी की खेती को, परंपरागत खेती को, जैसे कि आप देखते हैं धान और गेहूं लोग लगाते हैं, धान में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा खर्च होती है, गेहूं का प्रोडक्शन पहले ही ज़्यादा है हमारे देश में। तो बाग लगाने पे नींबू का जो किला है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी इस खेत में हो जाएगी, और इसके बीच बीच में सब्जियाँ हो जाएंगी। और किसानों को, क्योंकि नींबू की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो किसानों को सेहत के लिए भी नींबू अच्छा होता है, गर्मियों में बहुत अच्छा फल है नींबू। इसमें 1 किला चीकू है जी, 3 किला हमने नींबू लगाया और इसकी मेंटेन कर रहे हैं हम, तो इसमें काफ़ी मुनाफा है और फसलों से बागवानी का। तो हम कहना चाहेंगे सभी भाई बागवानी की तरफ बढ़े और अपना मुनाफा पाएँ। पानी कैसे देते हैं? पानी सर हम इसको ड्रिप से देते हैं, बहुत कम समय में लग जाता है, बहुत कम पानी लगता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है सर। कितने दिनों में तैयार हो जाएगी फसल? ये सर 3 साल का टाइम होता है इसका, और 3 साल में फ्रूटिंग देना चालू मार्केट होती रहती है। तो कैसे देखभाल करते हैं इसकी? हम मेंटेन रखते हैं इसको, नराई गुराई इसमें रखते हैं इसको, और दवाई गोली स्प्रे ये मेंटेन रखते हैं इसकी।